পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে 108 শিব মন্দির ও সর্বমঙ্গলা মন্দিরে স্বস্তিক পুজো দিতে উপস্থিত হন। এদিন তিনি কলকাতা থেকে সড়ক পথে বর্ধমানে আসেন, পরে তিনি বর্ধমান সার্কিট হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, দিস ইজ নট গুড, জগদীপ ধনকর ইজ নট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, হি ইজ গভর্নর অফ দ্য স্টেট। আপ প্রোটোকল কে অন্দর ইস প্রকার কা ডাইলিউশন করতে হ্যাঁ, ও ব্যক্তি কা অপমান নহীঁ হ্যায়, এক স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম কা অপমান হ্যায়। जब मैं डायमंड हार्बर गया, मुझे बताया गया कि राज्य के गृह सचिव का निर्देश था जिलाधीश उल्गानाथन को, डॉक्टर पी उल्गानाथन, कि फुल प्रोटोकॉल हैज टू बी मेंटेन्ड। पता नहीं डायमंड हार्बर को क्यों खास मानते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में किसी की जागीर है, क्या वहां देश का कानून नहीं चलता, क्या वहां जब राज्यपाल जाता है तो अलग व्यवहार होगा। दे डिड नॉट हैव द कर्टसी ऑफ अ गार्ड ऑफ ऑनर। जब उनसे पूछा तो कहा कि प्रोटोकॉल वॉज फुली कंप्लाइड, आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ द मैटर, आई एम अवेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ द होम सेक्रेटरी। मैं पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ जनता के परिवार का एक साधारण हिस्सा हूं, उनके सुख दुख में मेरी भागीदारी है, मेरी शपथ का खास हिस्सा है कि मैं भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूं, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मुझे कितना अजीब लगता है, देखिए, अंडमान निकोबार जाता हूं, सेलुलर जेल जाता हूं, मां भारती की सेवा करने वाले, मां भारती के लिए आहुति देने वाले, भारत मां के अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की भूमि से सबसे ज्यादा लोगों ने कालकोठी में समय बिताया है। आपके यहां से दीजिए, और जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ही जबरदस्त बात लगती है कि यहां पर बाटुकेश्वर दत्त इसी मिट्टी के हैं, शहीद भगत सिंह के साथ थे, वो दिलेरी दिखाई थी, वो दिलेरी उन्होंने पश्चिम बंगाल की भूमि पर नहीं दिखाई थी, दूर जाकर दिखाई थी, जब 60s में कैंसर से पीड़ित होने के बाद उनका देहांत हुआ तो उनका शरीर अंतिम कहां ले जाया गया, वहीं जहां शहीद भगत सिंह जी का था, उनके बाहर था। जब जलियांवाला बाग में वो जबरदस्त घटना हुई, भारत मां का हर सपूत रोया, कैसे बर्बरता से लोगों को मारा गया, वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कितना दर्द हुआ, ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल, ही रोट अ लेटर। जब मैं ये दृश्य देखता हूं तो मैं चिंतित हूं कि आज कुछ सरफरे लोग हैं, भारत के संविधान की आत्मा को नहीं समझते, भारत के संविधान की भावना को नहीं समझते, और अपने ही देश के लोगों को, मां भारती के सपूतों को इसी भारत में एक जगह से दूसरी जगह आए तो आउटसाइडर कहते हैं। क्या कोई इतना अज्ञानी हो सकता है जिसने भारत के संविधान का प्रीएम्बल नहीं पढ़ा, जिसमें सबसे पहले संकेत दिया है वी द पीपल। मैं इस प्रवृत्ति की घोर भर्त्सना करता हूं, जिन लोगों ने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है
और मेरा संकेत माननीय मुख्यमंत्री की ओर है। उनकी शपथ क्या है? ममता बनर्जी की शपथ है, मैं भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करूंगी। और मेरी शपथ क्या है? आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इस प्रकार का कृत्य करती है, मेरा दिल दुखता है, बहुत पीड़ित होता हूं, बहुत मैंने आगाह किया, अलर्ट किया है। पश्चिम बंगाल के महापुरुषों का मैसेज, उसकी रोशनी, उसका असर, उसका प्रभाव देश पर पड़ा, दुनिया पर पड़ा है। याद कीजिए शिकागो में, जहां मैं दो बार गया हूं, विवेकानंद जी का क्या भाषण था, पूरी दुनिया अभिभूत हो गई। क्या संदेश दिया था उन्होंने, और क्या हमारी हजारों साल की संस्कृति है वसुधाई कुटुंब की। जब ऐसी बात करते हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, पिछली बार जब आया तो मेरे को काफी जानकारी मिली, हाउ रिच दिस प्लेस इज हिस्टोरिकली, इन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एवरीथिंग। और पहली बार महाभारत का अनुवाद बंगाली में हुआ, यहां की सपोर्ट में किया। मैं उन सबको कहता हूं, जो देश के यूनिटी के विश्वास को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें डाइल्यूशन का प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा सोच। पर जब हाल का घटनाक्रम देखता हूं, पश्चिम बंगाल अम्फान की चपेट में आया, अम्फान में लोगों ने एक दूसरे की बड़ी मदद की, राज्य और केंद्र दोनों ने सहायता की, पर जब सहायता में अनियमितताएं हुई, जबरदस्त अनियमितताएं हुई, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिला, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, इसमें आपके जिले की पहचान ठीक नहीं हुई है। आपके यहां पर कैसे पक्के मकान वाले, डबल स्टोरीड वाले को ये मिल गया, ये बहुत बड़ा संकेत है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि क्या अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी तिजोरी भरी जा सकती है, क्या इतना बड़ा अम्फान जिसने जनता को पीड़ित किया, लोगों की रोजी रोटी छीनी, उसमें जो सहायता दे रहे हैं वो सहायता भी आपको अनरिच कर रही है। इसीलिए प्रांत के उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीएजी जांच कराई है अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका एक उदाहरण यह है। मैं अपने आप से पूछता हूं, कैसे उन लोगों ने पद पर रहते हुए अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया, क्रूर कर लिया कि वो सहायता ले ली। और जब पता चला तो प्रशासन सुस्त वापस कर दी। गलत लेना एक अपराध है, अपराध की कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा मन दुखी है, पैंडेमिक आया, बहुत प्रांत परेशान रहा, कई कारणों से रहा। पर जब 2000 करोड़ की खरीदारी के अंदर खुद माननीय मुख्यमंत्री ने पाया कि अनियमितताएं हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कराई, किन से जांच कराई? उनसे जांच कराई जिनकी जांच होनी चाहिए थी,
क्या कल्पना कर सकते हो? मेरे खिलाफ कोई जांच हो वो मैं खुद करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उनका ध्यान आकर्षित किया। ये कदम आपने उठाया है, क्या ये कदम पोस्ट फैक्टो कवरअप है? क्या जो गलत हो गया उस पर पर्दा डालने का प्रयास है? और मैंने सरकार को आगाह किया कि मुझे वो जांच की रिपोर्ट चाहिए, आज तक नहीं दी गई। पत्रकार बंधु से अनुरोध करूंगा, पश्चिम बंगाल बहुत ही टर्निंग पॉइंट पर है, आप मेहरबानी कर अपने कर्तव्य में वो निष्ठा दिखाइए जहां यहां की जनता आपको याद रखे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसके आप फोर्थ स्टेट हैं उसको मजबूत करें। पता नहीं आप उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लेना चाहते, क्यों उसकी मांग नहीं कर रहे हैं, क्यों उसका पता नहीं लगाना चाहते हैं? मैं कई बार कह चुका हूं, समाज और प्रजातंत्र उसको जीवित रखने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ है। जिस दिन आप लोग डर जाएंगे उस दिन से मुझे बड़ा डर लगता है। और बस ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आज डरावा हूं क्योंकि आपका डर मैं रोज देखता हूं। आप अपने राज्यपाल से कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, पर जो चीज आपको पता है, जो ओपन सीक्रेट है, सिंडिकेट्स है, किस तरीके से कानूनी व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है, किस तरीके से सरकारी कर्मचारी, सरकारी खजाने से पैसा लेने वाला व्यक्ति राजनीतिक कार्य करता है, ये सब आपके आंखों के नीचे है। लगातार मैंने आगाह किया है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, a public servant cannot be political worker, a public servant cannot do political work, और ये मेरी नसीहत नहीं है, ये कानून का संकेत है। भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून क्या कहता है? Public servants will maintain political neutrality। क्या आपको political neutrality नजर आती है? पर आपकी चुप्पी बहुत दर्दनाक स्थिति में डाल रही है मेरे को, मेरे से ज्यादा आप देखते हो। कहीं थोड़ी सी जगह जाता हूं, आने से पहले पता लग जाता है इलाके में क्या हो रहा है, आते पता लग जाता है। आया सड़क वो ठीक है, अंदर की सड़कों का क्या हाल आपको खुद पता है, कितनी दुर्घटना भी हुई है सब पता है आपको। आपको पता है कि पूरे देश के अंदर पूरी जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 अप्रैल से अन्न दिया गया है, चावल और दाल भरपूर मात्रा में दिया गया है, पर क्या हुआ, आपका इलाका भी उसमें शिकार हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन पॉलिटिकली केस्ड, इट हैज बिकम अ मेथड ऑफ एनरिचमेंट। आप सब जानते हैं राइस प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है, वो कौन स्लिप दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या ये कानून सम्मत बात है? सबसे जो बात मुझे बहुत लोगों ने बताई और मेरे कानून में भी आई, मैं अचंभित भी हो गया कि ये पैड पार्टी क्या है। देश के कानून में तो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका रिकॉग्निशन होता है, फिर चुनाव के अंदर उसका परफॉर्मेंस ठीक हो जाए तो व्हाट इज दिस पैड पार्टी। लोग बताते थे कि साहब ये बहुत स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है, करोड़ों का धन इकट्ठा होता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता है, पर सरकारी तंत्र का उसमें योगदान होता है।
पर मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे आकर ये बताए कि ये हमारे साथ हो रहा है। ये मौका आया पिछले सप्ताह, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन का एक डेलीगेशन मुझसे मिला। मेरे को उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया और मेरे से व्यापक चर्चा की। उसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन का डेलीगेशन मेरे से मिला और उस डेलीगेशन ने भी मेरे से चर्चा की। उनका एक मुद्दा तो था कि रिवाइज्ड सेफ एक्सेल लिमिट है, इसके लिए भारत सरकार ने जुलाई 16, 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ। पर दूसरा उनका था, मेरे को रसीद दिखाई है मेरे पास, कि सिंडिकेट्स आर ऑपरेशनल पैरेलल गवर्नेंस विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर नॉट डूइंग गवर्नमेंट वर्क, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ दोस सिंडिकेट्स। एंड व्हाट इज दैट? सैंड, सिर्फ 3,000 की है, गिट्टी 10,000 की, कोल 20,000 की स्लिप है। वो स्लिप आपके पास है तो कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं, आप सीधे जाइए। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इलीगल, इट इज क्राइम, इट इज सिंडिकेट एट इट्स वेस्ट वर्स्ट क्रिमिनल स्टांस। ऐसा कलेक्शन होना इज इंडिकेटिव ऑफ माफिया राज, ऐसा कलेक्शन होना इज इंडिकेटिव ऑफ पुलिस राज, ऐसा होना प्रजातंत्र के ऊपर धब्बा है। जो पैसा कलेक्ट होता है उसको टैक्स कहते हैं, उसको लेवी कहते हैं, वो कानून से कलेक्ट होता है, उसकी रसीद दी जाती है, वो सरकारी खजाने में जाता है और वो जन कल्याण के लिए काम में आता है। ये कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, कैसे ये रसीद बनाई जाती है, कैसे ऑपरेट होता है, समय दूर नहीं है सब पर्दाफाश होगा। जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि कानून अंधा है, कानून कुंभकर्ण की नींद सोता है, कानून के हाथ लंबे नहीं है, दे आर इन फॉर अ सरप्राइज। इतिहास साक्षी है, those who challenge democracy, those who challenge law have invariably been destroyed। ये मेरा दायित्व तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बात मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता कि पत्रकार बंधु वर्षी छापते, रोज सड़क के ऊपर यह कार्य होता है और सबसे ज्यादा पीड़ित मैं नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए हूं, न तो उनकी भागीदारी है न उनका दोष है, ऊपर की धौंस की वजह से, ऊपर के प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के तिजोरियां भरी जा रही हैं, उसमें ऐसा रूप से उनको मदद करनी पड़ती है। जो पुलिस का इस स्तर का अधिकारी है, हार्ड ड्यूटी देता है, कोविड में कितना अच्छा काम किया है, उनको इतना स्ट्रेस में डालना वेरी सीरियस मैटर। मैं मानता हूं दिस हैज टू एंड, इट मस्ट एंड। करप्शन किल्स डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चर करप्शन डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी, एंड इफ करप्शन इज प्रमोटेड बाय दोज इन पावर विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इट इज लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ डेमोक्रेसी। कितना दुख राज्यपाल को हुआ होगा जो खुद किसान परिवार से है, कि देश के अंदर 10 करोड़ किसानों को
हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं, अब तक 14,000 मिल चुके हैं, सीधा उनके बैंक अकाउंट में आया है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना इंटरमीडिएट के, बिना किसी कट के, सीधा उनके अकाउंट में आया है। पूरे देश में हर किसान को ही मिला है, पश्चिम बंगाल के किसान को ही नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान इसे वंचित है। पश्चिम बंगाल के मेरे किसान भाई, उनकी लैंड होल्डिंग छोटी हो चाहे ज्यादा हो, हर किसान को इसका फायदा मिला है। 14,000 प्रति किसान को मिलते और प्रांत को अब तक 9,800 करोड़ मिलते। ये 9,800 करोड़ का नुकसान एक वजह से हुआ है, किसी ने दस्तखत नहीं किए कि जानकारी दे दो। वो दस्तखत न करना मतलब किसान के पेट के ऊपर, अन्नदाता के पेट के ऊपर एक बर्बरतापूर्ण लात है। मीडिया इसको क्यों नहीं उठाया? सरकार का पक्ष है कि हम किसान की मदद कर रहे हैं। मैंने लिखा है मुख्यमंत्री को, आप किसान की मदद कर रहे हैं, इसका इस बात से क्या लेना देना है? ये कोई लोन थोड़ी मिल रहा है किसान को, सब्सिडी नहीं है, इट्स अ 100% ग्रांट। किसान की कुछ भी लैंड होल्डिंग है और पश्चिम बंगाल में वो 70 लाख से ज्यादा है, इस जिले में जो हर किसान है उस हर किसान को अब तक शपथ दी जा चुकी है 14,000 की। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को सांप क्यों सुन गया है कि इतना बड़ा दर्द भी नहीं देख पाए। और बात यही नहीं रुकती है, देखिए रोज जब मैं स्थिति को देखता हूं, कोशिश कर रहा हूं लगातार कि शासन प्रशासन रूल ऑफ लॉ से दूर न हटे, संविधान के दायरे के बाहर न जाए। पर भरतपुर कमिश्नरेट में क्या हो गया? कुछ लोग एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां गए और एक दरखास्त लगाई, उनसे पूछा, नोटिस देकर पुलिस ने, आप वहां क्यों गए, क्या आधार है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो पुलिस नोटिस देकर आपसे पूछेगी कोर्ट में क्यों गए? इट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज यूजर्पेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, इट इज इनकर्शन इन द डोमेन ऑफ जुडिशियरी, इट इज इंडिकेटिव ऑफ पुलिस स्टेट, ए गवर्नेंस ऑन पुलिस क्रचेस। तो मेरे सामने वो बातें आई, मैंने तुरंत डीजीपी पश्चिम बंगाल को मैंने आगाह किया, आगाह तो किया बट ही इज बॉस्ड ओवर बाय समवन एल्स। आपको सब पता है डीजीपी है सेवरल बॉसेस, और प्रांत में ऐसा नहीं होता, कानून में ऐसा नहीं है, पुलिस एक्ट में ऐसा नहीं है, उनका टेन्योर फिक्स है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद। तो वहां के एक अधिकारी है, उन्होंने कहा यह तो हमारा कर्तव्य है, हमारा कानूनी अधिकार है, वेयर आर वी हेडिंग, दिस इज टोटल लॉलेसनेस। जब राज्यपाल ये कहता है कि 2021 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष है, हमें पश्चिम बंगाल की छवि बदलनी चाहिए, अब तक हमारे चुनाव होते हैं तो एक संकेत जाता है, वो संकेत क्या जाता है? दे विल बी अटेंडेड बाय वायलेंस, पब्लिक सर्वेंट्स विल प्ले पॉलिटिकल रोल, पब्लिक मशीनरी, पब्लिक व्हीकल, पब्लिक ऑफिस विल बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, देयर विल बी रिंगिंग। मैं ये कहता हूं कि ये सही लोकतंत्र नहीं है, पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी न्यूट्रल, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक व्हीकल, पब्लिक रिसोर्सेज कांट बी यूज्ड पॉलिटिकली एंड देयर शुड बी नो वायलेंस।
क्या इस कमरे में कोई भी पत्रकार इस बात से डिसएग्री करता है? और क्या कोई इस बात से नकारता है कि ऐसा नहीं है? जब मेरे कानों में ये बातें आती हैं कि ताना बाना को नजारा है, ओसीज और आईसीज की पोस्टिंग हो रही है, देखते हैं कि ऐसे ही कर लेंगे जो पहले होता है, नहीं होगा। ये मेरा आपको एक वादा है, भारत का संविधान की इजाजत नहीं देता है। प्रजातंत्र का मतलब तभी है जब चुनाव स्वस्थ परंपरा से होंगे। वोटर विल लव फ्रीडम, ही विल बी विदाउट फियर, ही विल डू व्हाट ही लाइक्स एंड आफ्टर वोटिंग ही डज नॉट फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ये मेरा दायित्व है, आपका कर्तव्य है और मैं सबको आगाह करूंगा, याचना भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा। प्रजातंत्र में ये बहुत बड़ा महायज्ञ है, इस यज्ञ में आप अपनी आहुति दीजिए, इसको स्वच्छ रखिए। इस चुनाव से क्या नतीजा निकलता है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। इससे किस राजनीतिक दल का क्या होता है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। राज्यपाल की हैसियत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से कैसे लड़ते हैं कैसे करते हैं उनका काम है, उनका विवेचन है। पर कानून के दायरे में शासन चलता है नहीं चलता है, यह मेरा दायित्व है। कानून के दायरे से अलग हटकर शासन चलेगा, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात होगा, तो राज्यपाल को अपनी शपथ निभानी पड़ेगी कि संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। और यही मैंने आज किया है। मैं दो प्रसिद्ध मंदिरों पर गया, ऐतिहासिक मंदिर, 108 शिव मंदिर के अंदर मैंने पूरी परिक्रमा की। पश्चिम बंगाल के 9 करोड़ परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैंने मेरे पूरे परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। বর্ধমান থেকে রাজীব মণ্ডল ও পিন্টু প্যাটেলের রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।